तहसीलदार एस के अहिरवार एवं सीएमएचओ एस के चौरसिया के संरक्षण में की गई छापामार कार्यवाही में यह कार्यवाही तीन दूध डेयरी पर की गई है, जिसमें से प्रथम नायक दूध डेयरी पर कार्यवाही कर यहां से सैंपल कलेक्ट किए गए और संदिग्ध अवस्था में 20 टीन घी के जब्त कर रखे गए और साथ में नायक दूध डेयरी को सील किया गया और दूसरी नई बस स्टैंड के पास यादव दूध डेयरी एवं तीसरी गायत्री मंदिर के पास अंबिका दूध डेयरी पर सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। इस कार्यवाही में शामिल प्रशासनिक अधिकारी नायब तहसीलदार सीएमएचओ नाप तोल विभाग के अधिकारी राहुल पटवारी कार्यवाही के दौरान मौजूद रहे। ऐसी कार्यवाही पहली बार नहीं है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही कार्यवाही की गई थी, लेकिन उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और जब इस संबंध में पूछा तो उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट सीपी पटेल के पास है, जांच देखकर कार्यवाही की जाएगी, लेकिन अभी तक छापामार कार्यवाही के नाम पर सिर्फ प्रशासन फॉर्मेलिटी पूरी करता है और कुछ नहीं। यह सब तो दिखाने के लिए किया जा रहा है या फिर अधिकारी अपनी जेब गर्म करने के लिए लगे हुए हैं। सर बताएं जो डेयरियों पे कार्रवाई की है, किस किस डेयरियों पे कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई है? ये सबसे पहले नायक डेयरी पे कार्रवाई की, उसके बाद यादव डेयरी नया और उसके बाद तीसरी जो डेयरी है अंबिका डेयरी, ये तो क्या क्या कार्रवाइयों में क्या क्या कार्रवाई? नायक डेयरी में कार्रवाई उसकी है, वहाँ पर सैंपल लिए गए हैं दूध के, गायों के भी, तेल वाले गायों के, पनीर के सैंपल लिए गए और संदिग्ध दूध के संदिग्ध घी के कलेक्टर जो ऊपर रखे हुए थे उनके सैंपल लिए गए, उसको हमने देखा तो हमें उसकी बाल्टी सही नहीं लगी, लगभग कितने टीन थे तेल? लगभग 12-15 टीन था जो कि मुझे संदेह से लगे, क्योंकि मैंने सुन के देखा तो घी की जो सुगंध आती है वो नहीं आ रही। सर इससे पहले भी इस दूध नायक दूध डेयरी पर 1.5 साल पहले छापा डाला था नायक तहसीलदार के द्वारा, आज तक वो जाँच भी नहीं आई ना कुछ कार्रवाई उसके ऊपर? नहीं आई होगी, जाँच आई होगी, अब जो बात अलग है कि वो जाँच कैसी आई मुझे पता नहीं, लेकिन मैं देखूँगा अलग जो आई होगी तो मैं पता करेंगे क्या उनको क्या है। सर जैसा कि देखा गया है कि बाहर से दुकानें सील लगाई हैं और इस तरफ से बगल से उसकी दुकान खोली है, कहीं ऐसा नहीं कि वो कुछ चीज़ बदल दी? मैं ऐसा नहीं है लगा हमको, जो घी के सैंपल जो हमने कनेक्टर वगैरह सील किए वो हमको सील कर दिए, जिनकी हमें संभावना थी कि वो बदल सकते हैं उनको सील कर दिया है, वहाँ से अब दूध तो ऐसा है कि उसका जो है और क्योंकि वो तो आज सप्लाई करेगा और हाँ है उसका ऊपर रेजिडेंस है, इसलिए हम उसका पूरा घर सील नहीं कर सकते, बच्चे लोग हैं सभी लोग पूरे परिवार रहता है, इसलिए हम लोग सील नहीं कर सकते, बाकी जो सील करने में लायक था हमने सील किया। सर जी पूरे स्तर पर 25-15 साल से यहाँ पर पदस्थ हैं, हर साल सैंपलिंग करते हैं लेकिन कार्रवाई कहीं नहीं होती है, हर बार मामला रफा दफा कर दिया जाता है, अखबार के लिए नहीं इस बार भी ऐसा नहीं होगा, चलिए अगर हुआ होगा तो मैं इसकी हम जाँच करेंगे, कितने सैंपल दिए हैं क्या क्या रिपोर्ट आई कहाँ कहाँ उन्होंने कार्रवाई नहीं है, इसको समझना है
ये हम पूरा मैं मेरा उद्देश्य है, जैसे मुझे शिकायतें मिल रही थी कि मछली खो आ रहा बाहर, तो मैं उसके लिए मछली की दुकान पर भी सर्वे करवाया, उनकी रिपोर्ट आएगी जिस समय करेगा, और मछली घी भी बनाया जाता है उसके लिए मैंने फिर मैंने सर्वे के लिए और सफल करवाया, और दूध भी देखे गई दूध की भी क्वालिटी क्या है ना चलने के लिए पता चलता है। थैंक यू। देखो जो दूध तो देखो ही की गुणवत्ता देखो तो कचड़ा है वो। हाँ रोक के खोलने आ गई विगत कुछ दिनों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कुछ दूध डेयरी की कि उसमें मिलावट का काम किया जा रहा है। तुम्हारे एसडीएम महोदय द्वारा एक दल का गठन किया गया, उस दल में नायब तहसीलदार टीकमगढ़, नापतोल निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राजस्व निरीक्षक टीकमगढ़ और चार पटवारी की ड्यूटी लगाई गई है। उसी दल के द्वारा आज नगर के यादव दूध डेयरी, नायक दूध डेयरी और शर्मा दूध डेयरी पर छापामार कार्रवाई की गई है। क्या नायक डेयरी पे क्या क्या सैंपलिंग की है? नायक दूध डेयरी के यहाँ हम लोगों ने दूध, दही, पनीर, पेड़े, मिठाई आदि के सैंपलिंग जब्त किए और उनको यहाँ से एफएसओ के द्वारा जब्त कर आगे कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। सर इससे पहले भी आपके द्वारा डेढ़ साल पहले कार्रवाई की गई थी कलेक्टर हर्षिका मैडम ने निर्देशन पे, उस वक्त की अब तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई और दूसरी पर आप लोगों के द्वारा कार्रवाई हुई? कुछ महीने पहले नायक दूध डेयरी पर छापामार कार्रवाई की गई थी जिसमें उसमें दूध के फटे दूध के सैंपल जब्त भी किए गए थे और कुछ दूध और मिठाइयों के सैंपल भी जब्त किए गए हैं, और उसकी ऐसा बताया है श्री पटेल ने कि उसकी रिपोर्ट आ गई है। अब वो रिपोर्ट देखने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि उसमें आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। सर नायक डेयरी पे वो भी मिला है घी वगैरह, तो कितने सैंपल मिले हैं क्या है? नायक दूध डेयरी के दुकान के ऊपर के कमरे के बाहर कुछ तेल के डिब्बे रखे हुए थे जिसको एफएसओ के द्वारा देखा गया, तो उसमें पाया गया कि घी रखा हुआ है। उनके द्वारा ये बताया गया कि सूंघ कर देखा गया तो लगा कि थोड़ा पुराना घी है या घी की क्वालिटी अत्यंत खराब है, तो तत्काल उसको एक बंद कमरे में रखा गया और सील किया गया तुरंत। लगभग कितने रूटीन हुए? लगभग 20 दिन के आसपास है। शहर की कितनी दुकानों पर आज शहर की लगातार 3 दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई।